You are watching Poonch Live. नाजिन आदाब, इंडियन आर्मी की जानिब से 0 LOC पर क्रिकेट टूर्नामेंट करवाया गया जिसमें 8 टीमों ने हिस्सा लिया, जिसका आज फाइनल मैच खेला गया। ये मैच बनवत ए और CCBA के दरमियान खेला गया जिसमें CCBA को जीत मिली। आपको बताते चलें, इस तरह के टूर्नामेंट करवाने का मकसद यूथ को गलत कामों से दूर रखने का है, जिस पर खिलाड़ियों और मकामी आवाम ने इंडियन आर्मी का शुक्रिया अदा किया है और इंडियन आर्मी से अपील की है कि इस तरह के टूर्नामेंट और भी करवाए जाएं, जिससे यूथ को गलत कामों से दूर रखा जाए और यूथ को अपना हुनर दिखाने का मौका मिले। मजीद जानकारी के लिए आइए देखते हैं बॉर्डर जीरो लाइन से पूंछ लाइव की एक खास रिपोर्ट। जो आरटी में खेल रही थी उनकी तरफ से मैं टूआईसी साहब को अपनी तरफ से शाल पेश कर रहा हूँ। आसिफ राठौर जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो यहाँ पर टूर्नामेंट हुआ है जीरो बॉर्डर पॉइंट पे इंडियन आर्मी की तरफ से ऑर्गेनाइज किया था, इसमें 8 टीमों ने पार्टिसिपेट किया था और आज जो इसका फाइनल था जो कि बंड चीचियाँ क्रिकेट क्लब ने जीता है और उसके बाद इंडियन आर्मी जो है उन्होंने जो फाइनल जीतने वाली और हारने वाली टीमें जो हैं उनको प्राइज डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। तो जहाँ तक इस टूर्नामेंट का इस इलाके का ताल्लुक है तो हम दिल की अमीक गहराइयों से इनका शुक्रिया अदा करते हैं कि इंडियन आर्मी ने यहाँ पर इतना दूर दराज प्लेन ग्राउंड में तो हर जगह टूर्नामेंट हो सकता है जहाँ पर ग्राउंड की फैसिलिटी अवेलेबल हो, लेकिन यहाँ पर टूर्नामेंट करवाना, खेलना, उसमें पार्टिसिपेट करना, ये सभी कुछ अलग से चैलेंजेस थे जिनको हमने क्या किया कि अल्हम्दुलिल्लाह पूरा किया है। और हम शुक्रिया अदा करते हैं इंडियन आर्मी का कि यूथ को उन्होंने इस चीज़ में इंगेज रखा है, चाहे वो एंटी सोशल हो, एंटी नेशनल हो, एंटी रिलीजियस हो, और ओवरऑल आई मस्ट से कि एंटी रिलीजियस एक्टिविटीज़ जो भी हैं उनसे हम बचते हैं, कम से कम एक दिन तो ज़िंदगी का अच्छा गुजरता है। तो इसके लिए मैं इंडियन आर्मी का शुक्रिया अदा करता हूँ और इन फ्यूचर ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि अगर इतना बड़ा ना हो लेकिन छोटा सा ग्राउंड यहाँ पर होना चाहिए जिसमें हम पार्टिसिपेट करें और अपना एक दिन ज़िंदगी का। शहजाद अहमद,
ये नेटो प्रीमियर लीग इन्होंने जो हमारी आर्मी इंडियन आर्मी है इन्होंने बड़ा अच्छा टूर्नामेंट करवाया है। इसमें हम 8 टीमों ने पार्टिसिपेट किया यहाँ पे, तो सब ने अच्छा खेला। तो फाइनल में 2 टीमें पहुँची हैं, एक मनमत ए और सीसीबी जो बी है। तो इसमें सीसीबी जो ए है वो फाइनल जीती है। सब ने अच्छा खेला है, तो दोनों टीमें फाइनल तो नहीं जीतेंगी जो ग्राउंड में होती हैं, तो एक ही ने जीतना है। तो हमारी ये गुजारिश है इंडियन आर्मी से कि जितना अच्छा टूर्नामेंट ये करवाया है, नेक्स्ट इससे भी अच्छा टूर्नामेंट करवाएं, क्योंकि यहाँ की जो यूथ है इनको पता चले कि ये गेम में आगे हिस्सा लें और आगे अपनी इंडिया अपना नाम रोशन करें और अपने देश का नाम रोशन। मेरा नाम कफील अहमद मनास, सर मैं इंडियन आर्मी का हमें बहुत ही शुक्रगुजार हैं, स्पेशली 93 ब्रिगेड का जिन्होंने इतना अच्छा इनिशिएटिव लिया। यहाँ से बॉर्डर बहुत ही नज़दीक है, डिफेंस अगर देखा जाए तो बहुत ही नज़दीक है। इन्होंने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया, इस बहुत ही दूर मतलब एक अगर देखा जाए तो फार फॉलिंग एरिया से इन्होंने ऐसा अच्छा टूर्नामेंट कराया। हम इनका बहुत ही शुक्र गुजार हैं, स्पेशली अगर देखा जाए तो साथ में ही पाकिस्तान का बॉर्डर है और पाकिस्तान के जो पब्लिक देखा जाए तो साथ में ही है, तो वो भी देख रहे होंगे, वो भी वॉच कर रहे होंगे कि एक इंडियन आर्मी ने एक यूथ के लिए अगर देखा जाए तो डिस्ट्रिक्ट पुंछ की यूथ के लिए कितना अच्छा इनिशिएटिव लेके और इस जगह पे इस मतलब कमी यहाँ पे बहुत चीज़ों की कमी अगर देखा जाए तो यहाँ पर मुहैया है जो इंडियन आर्मी ने यहाँ पे हमें प्रोवाइड किया। हम इनका बहुत ही शुक्रगुजार करते हैं। ऐसे जो इवेंट हैं ये अगर देखा जाए तो मंथली नॉट इन ईयर 3-4 बार ये करा लिया करें, इससे ये है कि यूथ जो है वो गलत ट्रैक से दूर रहेगी। मेरा नाम चौधरी मोहम्मद सलीम, सरपंच डोकड़ी बनपर, आल सरपंच एसोसिएशन चेयरमैन। सबसे पहले तो मैं इंडियन आर्मी का शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि इंडियन आर्मी ने यहां से 200 मीटर हवाई पाकिस्तान नहीं जो अभी भी वहां से देख रहा होगा कि बॉर्डर पे इंडियन आर्मी का जो तालमेल सिविलन से कैसा है और इंडियन आर्मी ने जो ये सिविलन का यूथ को एंगेज किया टूर्नामेंट में खेलों में, हम धन्यवाद देते हैं। सर मेरा नाम मोहम्मद बशीर, मैं बाणी चीचिंग रहने वाला हूँ। यहाँ पे हमारी बाणी चीचिंग की सरजमीन पे इंडियन आर्मी ने एक टूर्नामेंट करवाया है जिसके बीच में 8 टीमों ने हिस्सा लिया है। आज उसका फाइनल मैच था। यहाँ से पाकिस्तान की बॉर्डर सिर्फ तकरीबन हवाई नापे तो हम 2 किलोमीटर है और ज़मीनी सतह पर 1 किलोमीटर है। हम इंडियन आर्मी का 93 ब्रिगेड कमांडर साहब का, उसके बाद हमारा डिस्ट्रिक्ट पुंछ का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, हम इनका हर साइड से शुक्रिया अदा करते हैं क्योंकि इन्होंने हमारी एकता को हमारी यूनिटी को मुकम्मल रखा हुआ है, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन हो चाहे आर्मी हो। हम इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन का भी और इंडियन आर्मी का भी शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने हमारे आपसी भाईचारे को एकदम मुकम्मल रखा हुआ और भाईचारे को आपसी भाईचारे को जोड़ने के लिए ये टूर्नामेंट किए जाते हैं। और हम इस चीज़ से इंडियन आर्मी से और हमारे एडमिनिस्ट्रेशन से हम बहुत खुश हैं। ओके, जय हिंद।